तो ये है भाई उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा गांव असगरपुर, देख सकते हैं दोस्तों। इस गांव में मुसलमानों का गांव है, ये देख सकते हैं मोमदन ज़्यादा है इस गांव में, देख सकते हैं। मैं छत पे खड़े होकर के ये वीडियो शूट कर रहा हूं और अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो भाई देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये उत्तर प्रदेश का, और ज़िला बुलंदशहर के खुर्जा सिटी के पास में दोस्तों असगरपुर है ये गाँव। कुछ इस तरह से है, छोटा सा गाँव है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने मस्जिद बनी हुई है, ये देखिए, जो कि आप रास्ते से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिछड़ा गांव है। और देख सकते हैं रास्ते अभी भी आज से लगभग जो कि 30-40 साल पहले थे वही रास्ते आज भी कच्चे रास्ते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ सामने गांव के निकलते ही ये जंगल शुरू हो जाता है, ये देखिए कुछ इस तरह से है यहाँ का लोकेशन। सामने देख सकते हैं वहाँ लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आम के बगीचे भी हैं। और ये देखिए, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी बारिश आना स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं ऊपर बादल छाए हुए हैं। और ये देखिए वहाँ पे सामने देख सकते हैं दोस्तों वो नंगला गाँव है, और उसके पीछे अरनिया मंसूरपुर गांव है, जो कि जहाँ पे नीम का दूध निकल रहा था वहीं नज़दीक में ही है। और ये दोस्तों मेरी ससुराल है, देखिए मैं छत पे खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी भी बारिश आना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं बूंदाबांदी। अरे छत पे ये लहसुन वगैरह आलू वगैरह रखे हैं लोगों ने, और ऊपर भी कमरा बनाने का तैयारी है, ये देख सकते हैं गेट लगा दिया है। तो भाई देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये अपने ही कुछ हिंदू लोग हैं, अपने ही घर हैं ये जो आसपास हैं, वरना यहाँ पे मोमदन ज़्यादा है इस गांव में। लेकिन यहाँ का जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है, एकजुट होकर के हिंदू मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ऐसे ही रहना चाहिए। तो देख सकते हैं रास्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी भी नालियाँ जो पुराने ज़माने में थी वही, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा तरक्की वगैरह नहीं है। और यहाँ से खुर्जा सिटी लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, सामने खुर्जा सिटी उधर है, और हम लोग जंगल की तरफ घूमने जाते हैं तो इधर ही जाते हैं। छोटा सा गांव है, जहाँ जहाँ तक मेरा कैमरा जाएगा बस वहीं तक है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, इसलिए मैं छत पे खड़े होकर के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये रास्ता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, कच्चा रास्ता है, और अपना शैतान आ चुका है, ये जीवा है अपना बेटा है, ए ए हाय कर, ये बहुत शैतान है, हाय कर बेटा एक बार, ये अपना जीवा है। अरे क्या कर रहा है दूसरे के घर में, देख क्या फेंक रहा है तू, चल इधर आ। तो भाई देख सकते हैं अपने 2-4 घर हैं यहाँ पे हिंदू लोग के, देख सकते हैं अपने ही घर हैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, सामने पिलखुन का जो पेड़ है ना ये भी अपना ही घर है। और कुछ इस तरह से अपने नीचे का जो लोकेशन है, और ये सामने लहसुन, हाँ बेटा ये लहसुन है, बता ए, तो बहुत शैतान है ना, है तेरी पिटाई होएगी, ए देख कहाँ फेंक रहा तू आलू, इधर इधर देख पिटाई करेंगे, देख अंकल देख वीडियो देख रहे हैं ना तेरी पिटाई करेंगे, देख ऐसे थोड़ी दिखेंगे। भाई अपने लहसुन यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखा है, ये आलू है, कुछ इसमें क्या है भाई, इसमें भी लहसुन है, लहसुन भरा हुआ है इसमें। अच्छा तो चलिए भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।